सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट नीट 2024 में सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी कंफ्यूज है कि सर हम क्या करें क्या नहीं करें, सेफ स्कोर क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकते हैं, जिससे हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, हमें आगे अपने आपको उसी हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू रख के तैयारी करनी है, पेपर का लेवल कैसे होने वाला है, कोई पैटर्न का चेंज तो नहीं हो रहा। तो इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट एंड काउंसलिंग। So starting the video, let me introduce myself. I am Pathan Farman Khan and I am currently pursuing MBBS from Government Medical College, Vanaparthi, Telangana. So guys, जो भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं आपको क्लियरली एक एक चीज बता देता हूँ। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। सो सबसे पहली बात है सिलेबस का क्या है। देखो सिलेबस में आपको यही कहूंगा, आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है, पुरानी एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो मत करना। बिकॉज नीट 2024 के अंदर एक क्वेश्चन जो कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है आइटम वाला, उस उन्होंने जो आंसर क्या है वो न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पर आंसर दिया है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है, पुरानी एनसीईआरटी का रेफरेंस नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन -5 सब स्टूडेंट का ऑलमोस्ट, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो न्यू एनसीईआरटी फॉलो करो, नीट 2024 का जो सिलेबस है वही आपको फॉलो करना है। और आप सबको पता है कि जो एग्जाम की डेट है वो है 4th of May 2025। सो अभी आपके पास बहुत टाइम है, इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करो। जितनी भी मिस्टेक है, जितनी भी गलतियाँ हो रही है उनको सुधारो, देखो कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, अपने आपको गलतियाँ देखो। नीट 2024 की गलतियाँ नीट 2025 के अंदर आपको रिपीट नहीं करनी है, और यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने आपको कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं पेपर का लेवल कैसे आने वाला है। देखो जो इस साल हुआ है उससे ये तो साफ है कि पेपर का लेवल तो एवरेज आता है। बिकॉज 2020 से मैं देख रहा हूँ पेपर का लेवल बिल्कुल कॉन्स्टेंट सिमिलर आ रहा है, इजी आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, ड्रॉपर्स ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से कंपटीशन बहुत हाई जा रहा है और इस साल भी आगे जाएगा। नो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपटीशन जो है आगे नहीं जाएगा। जो पेपर का लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, ट्रिकी जो कि आ रहा है, बिकॉज असर्शन रीजंस उसके अंदर पूछे जा रहे हैं, पर प्रॉपर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो आपको ये बिल्कुल आराम से रखना है कि मुझे प्रॉपर एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। मैच द कॉलम आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, बिकॉज मैच द कॉलम में एक में चार ऑप्शन, एक में पांच ऑप्शन, ऐसे वो करते हैं। और साथ में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तीसरे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं असर्शन रीजन, जो पहले एम्स में आते थे लेकिन अब इन्होंने इसमें कॉमन कर दिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस लगाने, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाने। और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे personally@medico.pathan, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी पॉसिबल वे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सेफ स्कोर। देखो सेफ स्कोर जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस पर, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन है पेपर का लेवल कैसा, अगर पेपर का लेवल इजे ऑलमोस्ट कट ऑफ आई जाएगी, ये तो बिल्कुल इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा चीज़ है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, लास्ट ईयर 23 लाख स्टूडेंट थे, अब देखते हैं इस साल डेफिनेटली बच्चे बढ़ेंगे, बिकॉज ड्रॉपर्स की कंसेंट जो संख्या है वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ड्रॉपर्स 640-650 में भी रहकर उनको कॉलेज नहीं मिल रहा था, वो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली बूस्ट करेंगे अपने मार्क्स को, 700 तक लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि अब गेम चेंज हो चुका है, अब आपको कंपटीशन के अंदर घुसना है और उसके अंदर से चीरते हुए निकलना है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बार। ठीक है, आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ कि अगर आप ये मार्क्स लाते हैं एवरेज लास्ट के एंड में, जब आप फाइनल्स जो आप मेजर्स दोगे उस समय कम से कम आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको मिनिमम 650 प्लस स्कोर करना पड़ेगा हर पेपर के अंदर, बिकॉज पेपर का लेवल थोड़ा सा एक्सेल होगा नेक्स्ट ईयर, पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे नीट एनटीए वाले। तो कम से कम 650 प्लस आप स्कोर करो, नॉर्मल मॉक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे डेफिनेटली नीट 2025 के अंदर। फॉर ओबीसी कैटेगरी इट विल बी अराउंड 650, आपको सेम 650, क्योंकि जनरल ओबीसी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, आपको दोनों में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और दोनों में अच्छे मार्क्स लाने हैं। एससी कैटेगरी के मिनिमम 570 मार्क्स आपको रिक्वायरमेंट हो चुकी है, बिकॉज आपका जो सिलेक्शन है वो आपकी रैंक पे होता है, ना कि आपके मार्क्स पे। मार्क्स मत देखो, आप रैंक देखो आपकी रैंक कहां जा रही है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एसटी के लिए भी मैं कहूंगा 540 प्लस मार्क्स आप लेके चलो, कम से कम 540 प्लस आपको एक कॉलेज मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी, बिकॉज नए कॉलेजेस भी नेक्स्ट ईयर ऐड होंगे। सो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू स्पेकुलेशन ऐसा चल रहा है कि प्रॉपर दो फेज में होगा पेपर, पहला एनटीए जो पेन पेपर है और उसके बाद ऑनलाइन है, तो ऐसा कुछ चल रहा है, बट अभी कोई ऑफिशियल नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग रिगार्डिंग नीट, यू कैन डीएम मी पर्सनली, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स एंड ऑल क्वेरीज, बिकॉज मेरा यही काम है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बात करते हैं और मैं उनकी कहीं ना कहीं हद तक हेल्प करता हूँ। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।